भाई साहब आज हो क्या रहा है? अभी पीछे एक ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर को ट्रॉली लगी थी, ट्रॉली में थी बहुत सारी मिट्टी। मैं ऐसे जा रहा था, ऐसे फट कर टायर फिट गया उसका। ओ भाई, ये पेट्रोल क्यों लीक हो रहा है बे? अपन जा रहे हैं अभी राइड पे अकोला टू मुंबई, और यही दिन का मैं इंतजार कर रहा था कि कब मैं राइड करूंगा। फाइनली आज मौका आ गया है। वैसे दो दिन मैं यहाँ पे रुका, कुछ काम थे वो कंप्लीट किए, और अभी मैं जा रहा हूँ बाइक से। अपना वही लगेज है, टॉप बॉक्स है, एक टैंक बैग है, और दैट्स इट, उतना ही। जैसे हम पूरी राइड के लिए मैं गया था, बस वही सेम सेटअप है, सब यहीं पे रख के गया था। अभी यहीं से बस लेके अपने को वापस जाना। चलो, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, और आप लोग भी राइड वीडियो की इंतजार कर रहे थे। आज फाइनल राइड वीडियो। 600 किलोमीटर की जर्नी है, अभी बजे है 7:15। आई होप बस बारिश ना मिले, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लाउडी है तो अच्छा लगेगा, थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा, बस बारिश ना हो। बट बारिश तो कहीं ना कहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे सब कुछ है तो कोई टेंशन नहीं है। चलो निकलते हैं। अरे यार, पोहे वाला आया ही नहीं आज। चलो कोई बात नहीं, गणपति बप्पा मोरिया, गजानन महाराज की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव। काश मैं कहीं और जाके मुंबई जा पाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ठाकुरान जी अरिका अकेले घर पे 2-3 दिन से। वेदर तो सही लग रहा है सो फार, इट्स ओके। वाह क्या जबरदस्त सुबह है। तो तुरंत मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, जस्ट चेक कर रहा था टायर प्रेशर थोड़ा कम है, क्योंकि ऑब्वियसली एक महीना हो गया ना, लेकिन चलो इतना भी कम नहीं है, आई थिंक काम तो हो ही जाएगा। वैसे भी बारिश आई तो थोड़ा कम हो तो ही बेटर है, ग्रिप होती है ना ज़्यादा। और क्या बताऊँ दोस्तों, इतना बढ़िया लग रहा है इतने दिनों बाद वापस बाइक पे, वाह वाह वाह। बस अभी नया नया है ना ये इशू, तो ये बोल्ट का थोड़ा बीच बीच में देखना पड़ेगा, वैसे तो अभी लूज होगा नहीं। रिसले कुठले या गावतले आहेत काय? दहावी तू? दोन्ही दहावी आहे। चला करा अभ्यास, अभ्यास करा। चलो, जब भी कोई मुझे बच्चे मिलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भाई पढ़ाई पे ध्यान जरूर देना, और उनको ये सब मोटिवेशन दिखाता हूँ कि ये सब करना है तो पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करोगे पैसा कमाओगे और फिर ये सब कर पाओगे। चलो सफ़र जारी रखते हैं और म्यूज़िक शुरू करते हैं। ये अकोला बाईपास आ गया, अभी डायरेक्टली अपना स्टॉप रहेगा 100-150 किलोमीटर। बड़े दिनों बाद हैदराबाद, बड़े दिनों बाद। भले लोगों को दिक्कतें आ रही होगी नई हिमालयन से, हालांकि वो एक दो गाड़ियाँ ही है आउट ऑफ 25,000 व्हीकल सोल्ड, कि चैसे ब्रेक हो गई या बोल्ट गिर रहे हैं। चलो बोल्ट तो बहुत सारे बाइक के शायद गिर रहे होंगे, आफ्टर मार्केट बोल्ट, लेकिन भाई ऐरावत तेरे से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो अपना है। बस छोटी मोटी कोई दिक्कत होगी तो उसको अपन रेक्टिफाई कर लेंगे। वैसे जब भी आप बहुत दिनों बाद राइड पे निकलो, लॉन्ग राइड पे, तो थोड़ा पहला 100 किलोमीटर थोड़ा टेक इट ईजी लो, क्योंकि हमारे जो मसल मेमोरी रिफ्लेक्सेस है उसको थोड़ा रिकॉल होने में थोड़ा टाइम भी लगता है ना, तो थोड़ा टाइम उसको देना चाहिए। तो हमेशा मैं ट्राई करते रहता हूँ कि आपको राइड वीडियोस में कोई ना कोई वैल्यू जरूर दूँ, अपार्ट फ्रॉम टूरिंग और प्लेसेस विजिट करना, ताकि आपको राइडिंग में हेल्प। आई वॉन्ट यू गाइज टू राइड सेफ एंड राइड सेंसिबली। और भाई एग्जैक्ट एक महीने पहले मैंने राइड पॉज किया था ओडिशा की और अकोला में गाड़ी रखी थी, और आज ही आई थिंक मैं निकला था मुंबई के लिए। वैसे तो जाना आना चलता रहेगा अकोला का, अब अगली बार तो निंजा से आऊंगा यार, एक बार बादल लेके भी आएंगे। अब बादल तो अपने पास ही रहेगा, ऑलमोस्ट मैंने डिसाइड कर लिया है कि भाई बादल को मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सेंसिबल बाइक है, सिटी के लिए अच्छी है, शिपिंग के लिए अच्छी है, तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू सेल इट फॉर नाउ। देखते हैं, अभी अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ी तो मे बी कर दूंगा, लेकिन 95% मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने बादल सेल कर लिया तो वापस मैं बादल खरीदूंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अब कोई दूसरी बाइक खरीदूंगा, पर छोटी बाइक क्यों ही खरीदूंगा, तो ऐसा है। तो अभी आई विल कीप बादल मोस्ट प्रॉब्ली। और ये देखिए यहाँ पे चलान काटने के लिए रेडी, वाह क्या बात है। वैसे बारिश ज़्यादा हुई नहीं तो ज़्यादा भरा नहीं है, लेकिन आई थिंक ये यहाँ तक पूरा आ जाएगा। हाँ यहाँ तक आ जाएगा। वैसे रेंज तो 90 बता रहे, चला तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे है फ्यूल पंप फुल कर। हिमालयन में ये पूरा जाता नहीं है अंदर, बीच में रोड है। डिलीवरी नहीं, सामान है, कपड़े वपड़े देते 27-28।
तो भूख लगी और भूख का हमारा साथी हमेशा की तरह होता है मैक्स प्रोटीन एनर्जी बार। ये है डेली एनर्जी बार, ये हमेशा अपने पास होता है, आपको तो पता ही है भाई। अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है 10 ग्राम्स ये वाले इसमें जो छोटा वाला पैक है, साथ ही साथ 5 ग्राम्स फाइबर, 0 एडेड शुगर, 2 घंटा आराम से इसमें एनर्जी चली जाती है। मतलब हो गया अभी अगर मैं ये खाऊंगा तो सीधा आई डोंट थिंक नासिक तक मुझे कोई टेंशन है। अब द रीज़न आई एम नॉट ईटिंग फूड राइट नाउ इज़ बिकॉज फिर थोड़ा लथार्जिक फील हो जाता है और नींद भी आती है और थोड़ा सा ब्लॉटेड, प्लस अगर हेल्दी ना हो मतलब थोड़ा तला हुआ या जंक होना तो वो तो जमता ही नहीं है भाई अपने को। आई ट्राई टू अवॉइड इट, दैट इज द रीज़न आई कैरी दिस। बाय द वे यूजिंग माई कूपन कोड आपको अच्छा खासा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एनी मैक्स प्रोटीन प्रोडक्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेक करना, स्पेशली ये जो इनके बार्स हैं एनर्जी बार्स एंड कुकीज़। और सबसे अच्छी बात आपको तो पता ही है, ये दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतना टेस्टी है। तो ये चोको आलमंड बार, वैसे इनके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं एंड प्लस इट इज़ हेल्दी। गाइस डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, स्टॉक दिस थिंग अप, बहुत काम की चीज़ है। सो जलगांव 71 मुंबई 469 और घर से हो गया अराउंड 120-130 किलोमीटर। राइट नाउ 8:24, मतलब डेढ़ घंटा भी नहीं हुआ है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और अभी 10 मिनट पहले भाई एक कुत्ता नीचे आते आते रह गया, समझ लो आ ही गया था। ये साइड से ट्रक था और मैं ये लेन में चला रहा था, ये यहाँ पे और बीच में डिवाइडर था, डिवाइडर में थोड़ी झाड़ियाँ पत्तियाँ थी ज़्यादा थी तो वो दिखाई नहीं मुझे, डायरेक्टली आ गया। और सिप से उसने देख लिया ट्रक वॉक और वापस पीछे चला गया, ऑलमोस्ट आ गया था। वैसे तो स्पीड मेरी इतनी थी नहीं लेकिन मैं एकदम ब्रेक दबा दिया, पैनिक हो गया, स्पीड कम कर दिया मैंने। भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चलो ऐसे सिचुएशन में कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, मैं वही पे था, लेकिन हमेशा यहाँ रहो सेंटर में, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा। 9 बजे के हिसाब से 35 डिग्री थोड़ा ज़्यादा हो गया यार। ये देखिए 22 किलोमीटर्स में सर्विस ड्यू है या तो 96 डेज, तो आई एम वेल बिफोर टाइम। इनफैक्ट एक महीना थोड़ा लेट हो गया, इनफैक्ट नहीं तो पिछले महीने हो जाती, तो ये 96 डेज के जगह पे 125 डेज होते। चलो जलगांव तो अभी पहुंच रहे हैं, ये बाईपास यार अब तक शुरू ही नहीं हुआ है यार, बहुत ही ढीला काम चल रहा है, ये काम तो बहुत लटका पड़ा है। ये तो सेम ही लग रहा है यार, लास्ट टाइम मैं जब भी आता हूँ ये पूरा जो प्रोग्रेस है सेम ही लगता है। देखो सेम, एग्जैक्ट सेम, ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है उसके बाद, क्योंकि जलगांव से बहुत टाइम पास होता है, ट्रक्स तो घुसते ही है, नॉर्मल जो कम्यूटर्स है ट्रैवलर्स है। अभी सुबह का वक्त है सैटरडे, इसलिए मे बी भीड़ कम होगी, देखते हैं। वाह गावटी गुड़ बेच रहे हैं। जलगांव खानदेश बोले तो वांग्याचा भरीत, डालडा तूप, वरण पोळीचा काला, आ हा 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 हा, क्या बात है, बचपन के दिन याद आ गए। साहब आज हो क्या रहा है, अभी पीछे एक ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर को ट्रॉली लगी थी, ट्रॉली में थी बहुत सारी मिट्टी, मैं ऐसे जा रहा था सर से फट कर टायर फिट गया उसका, भाई जो फूटा है टायर, ट्रॉली ऐसी हो गई और पूरी मिट्टी नीचे गिर रही थी। मैं ऐसे साइड से निकल गया, अब ज़्यादा स्पीड में तो मैं था नहीं, अराउंड 80 के आसपास होऊंगा, 70-80, लेकिन गोप्रो बंद था तो आपको दिखा नहीं पाया। एक बार उतर के देख लेता हूँ कोई पत्थर वत्थर उड़ा क्या, वैसे कोई फील तो हुआ नहीं मुझे पत्थर उड़ने का। हो क्या रहा है आज, कुत्ते बीच में आ रहे हैं, ट्रॉली का टायर फट रहा है, और सबसे खतरनाक बात पता है, मैंने जब मिरर में देखा तो उसका जो लेफ्ट साइड का टायर था जो फट गया था वो पूरा का पूरा रिम बाहर आ गया और पूरा ट्रॉली लुढ़क गया यार। थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, इसीलिए डिस्टेंस रखो जितना हो सके, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, ट्रक्स ट्रॉली लॉरीज ट्रैक्टर्स ये बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं ना, दूरी बनाए रखो भाई, ज़्यादा नज़दीक मत जाओ इनके, ओवरटेक करते समय ब्रेक दबाते समय कीप डिस्टेंस, कार से भी थोड़ा डिस्टेंस ही रखो। चलो निकलते, ऑलमोस्ट एंटरिंग धुले, अभी ये जो बड़ा रोड है ये धुले बाईपास के लिए बन रहा है, वो अभी तक ऑब्वियसली बना नहीं है,
बना दो यार, बना दो, जल्दी बना दो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपने पास ये बाइक है इसलिए अच्छा ही बोलेंगे ब्रांड के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बाइक अच्छी चल रही है बस, मेरे बाइक के हिसाब से, मेरे बाइक के साथ जो जो हो रहा है आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी लोगों के बाइक्स का मैं कैसे बता सकता हूं आपको। अब वो तो आप 1250-1300 भी ले लो तो अभी चलाने वाला अच्छा नहीं होगा या कुछ इशू किया रहेगा या कुछ कांड किया रहेगा तो फिर अपन बोल नहीं सकते ना, नॉट नेसेसरी किसी ने कुछ किया है, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई चैसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरा इंजीनियर वाला दिमाग अगर उस पर ध्यान दे, थोड़ा सोचे उसके बारे में, तो फिर ऐसे लगता है कि यार हो सकता है ना, वो किसी भी बाइक के साथ हो सकता है। अरे अंकल की थैली गिर गई भाई, पानी की बोतलें है क्या? अरे सलाइन की बोतलें यार, आराम से कर लो अंकल, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा अगर नॉर्मल होता तो मैं साइड में करके थोड़ा हेल्प कर देता, बहुत खतरनाक गर्म हो रहा है, ऑलमोस्ट 40 degrees राइट नाउ। ऐसे के ऐसे चकाचक ऐरावत आज थाने पहुंच गया तो क्या ही कहने। लेकिन ऐरावत की हिस्ट्री ऐसी है कि जहां जहां जाता है बारिश लेके आता है, आपने तो देखा ही है। वैसे आई वाज सपोज टू लीव फॉर अ लॉन्ग राइड इन दिस मंथ, अभी अराउंड ये 15 तारीख के आसपास ही सब कुछ प्लान रेडी था, सब कुछ। अकोला से मैं ऐरावत को एक हफ्ते पहले लेके आ जाता, सर्विस वर्विस करा के सब सेट था, अभी 15-20 तारीख तक निकलना था हमको, और कहाँ निकलना था वो अभी आपको शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मे बी अगले महीने या ऐसा कुछ वो रिज्यूम हो सकता है प्लान, फिलहाल के लिए थोड़ा सा होल्ड पे फॉर सम रीजंस। वैसे अगर सब कुछ सही हुआ प्लान के मुताबिक तो इस साल आपको बेहतरीन बेहतरीन खबरें मिलेंगी हमारी तरफ से, बस देखते जाओ, आप लोग तो शौक में चले जाओगे 100%। वैसे कमेंट करके गेस कर सकते हो, गेस तो कर ही सकते हो। वैसे मॉनसून ओडिसी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, बस बारिश आके एक महीना हो जाए, मतलब क्या ग्रीनरी वाटरफॉल सब रेडी हो जाएंगे, तब तक मैं अपना बादल भी रेडी कर दूंगा, ऐरावत भी रेडी कर दूंगा, सर्विस वर्विस सब करके सेट, बादल के टायर्स भी बदलने। चलो आ गया मुंबई आगरा हाईवे, लेफ्ट टुवर्ड्स मुंबई, राइट टुवर्ड्स आगरा। काश हम राइट जा पाते, नॉर्थ साइड कहीं निकल पाते, लेकिन वक्त है उसके लिए, थोड़ा सा सही वक्त आने पे निकला जाएगा। 11:30 बजे ये हाईवे ज्वाइन किया है मैंने, 7 बजे निकला था, 4.5 घंटे लग गए ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर के लिए, क्या ही गई है, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। ओहो NX500 थी, सही, नाइस, अच्छी बाइक है ये, जो XUV वाला ना MS19 DV9700 कैसा चला रहा है बे। मैं यहाँ पे था, आगे एक रॉन्ग साइड से ट्रक आ रहा था, मैं यहाँ जाने वाला था, बस पीछे देखा तो बस ओवरटेक करके मेरे को चिपक के ऐसे जा रहा था, नसीब मैंने मिरर में देखा। इसी से एक और चीज मेरे ध्यान में आई दोस्तों, कि जब भी आप आपकी लेन स्प्लिट करो, इनफैक्ट लेन स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं है, जब थोड़ा सा भी आप ऐसा मूव हो रहे हो तो यहाँ पे नजर जानी चाहिए, यहाँ पे इधर साइड, इसको आप आदत लगा लो, गांठ बांध के रख दो ये सब चीजें। ये जितने भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना, ये पोटेंशियल थ्रेट्स है, रेड फ्लैग्स है जो हमको बचाने हैं। अब ये कार वाले लोगों को तो ऑब्वियसली सेफ्टी का टेंशन नहीं है क्योंकि कार है, हम लोग तो एक्सपोज है ना। ये छोटी छोटी टिप्स अगर 5-10 लोगों के भी काम आ गई, 5-10 लोगों ने भी अगर इसको फॉलो किया तो मेरे लिए बहुत है। वैसे मालेगांव क्रॉस कर रहा हूँ मैं, वेदर तो अच्छा हो गया, मस्त एकदम, देखो बड़ा सा बादल ऊपर आके सूरज दादा को ढक दिया। घर से निकल के हो गया अराउंड 350 किलोमीटर के आसपास। यार आज तो मेरा काफ़ी चिल चल रहा है, मैं तो फुल ब्रेक पे ब्रेक ले रहा हूँ। अब देखो ना, इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे मस्त गुलमोहर का इतना बढ़िया पेड़ है, देखो क्या कलर कॉम्बिनेशन, वाह। और यहाँ पे बढ़िया सी छाव है, मस्त 38-39 degrees है, ठीक है, लेकिन अच्छे खासे बादल है, बहुत बढ़िया वेदर है। तो ऐसे ही रुक गया, थोड़ा सा पानी वानी पीता हूँ, ये देखो खेत, चाहे तो यहाँ पे सो भी सकता हूँ। देखो ना गाइस क्या मस्त जगह है यार। कैसे दिले? 10 किलो 200 रुपये 10 किलो 200। लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस कि लास्ट टाइम मैं लेके तो गया था, 10 किलो भरता नहीं है वो, 8 किलो के आसपास ही भरता है, और मुंबई में वैसे मैं 30-35 रुपये किलो ले ही लेता हूँ। पर एक दिक्कत है कि बंजी कॉर्ड जो है वो भाई मेरे बैग के एकदम नीचे है टॉप बॉक्स के, तो उसको निकालना मतलब खतरनाक काम है। चलो छोड़ो, इस बार कांदा राइडर कांदा नहीं ले जा पाएगा। ओहो फाइनली पहाड़ दिख रहे हैं, सह्याद्री, और सह्याद्री की खोज करने हम जाएंगे मानसून शुरू होते ही। मजा आएगा, इस बार भी कुछ यूनिक यूनिक जगह ले जाऊंगा आपको। एक दो ट्रिप्स पे ट्रैकिंग वाले भी कर सकता हूँ इस बार, जहाँ पे ट्रैक करके जाना पड़ेगा, तो इन दैट केस में भी मैं कार लेके जाऊँ, देखते। वाह क्या बात है, क्या मस्त लग रहा है, देखो ना
मस्त शेडो आ गए, वो देखो पहाड़, वाह 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 वाह। सह्याद्री इन मॉनसून इज एपिक। आप अगर महाराष्ट्र से नहीं हो तो आई सजेस्ट कि आप मॉनसून में महाराष्ट्र राइड जरूर करना, जरूर करना। तो रेंज बता रहे 39 किलोमीटर, 312 किलोमीटर हो गए भर के। यहाँ पे पेट्रोल पंप है तो यहाँ पे भर देते हैं, अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शाम तक ये साइड तो बारिश 100% आएगी, आगे तो पता नहीं, देखते हैं, आई होप ना आए। फुल करा फुल। पाउस चालू है क्या इकड़े? नहीं आए, दो तीन दिन पहले बारिश हुआ, दो तीन दिन पहले। आज लग रहा है आएगा, है ना? देखो मौसम ऐसे रहता है, रोज ऐसे रहता है। अच्छा, आज ज्यादा धूप है नहीं, बदली टाइप रहता है, मौसम ठंडा रहता है, रात में बहुत ठंडा रहता है। ओ भाई, ये पेट्रोल क्यों लीक हो रहा है बे? आई थिंक ये एक्स्ट्रा वाला पेट्रोल है, आई थिंक सो, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर तक भरा था, तो आई एम वेरी श्योर एक्स्ट्रा वाला पेट्रोल है। येस गाइज, आई एम राइट। देखो अभी गाड़ी सीधी खड़ी है, पेट्रोल गिरना बंद हो गया है, वो एक्स्ट्रा पेट्रोल है जो ड्रेन हो रहा है। अभी एक बार टैंक कैप भी खोल के देखते ही है। ये देखो, तो ये पेट्रोल ये ड्रेन में जा रहा है, और ये ड्रेन से पेट्रोल यहाँ से ये देखो नीचे टपक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एकदम सही है तू। ये देखिए गाइस, ठाणे ते अयोध्या स्प्लेंडर पे, क्या बात है, बच्चे के साथ, अरे कुत्ते के साथ, ओहो क्या बात है। चलो नाइस यार, अच्छा लगा देख के। हालांकि राइडिंग गियर्स नहीं थे, लेकिन ठीक है यार, हर बात में इश्यू नहीं क्रिएट करना है। कोई अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना चाहता है तो जीने दो यार। 2:30 राइट नाउ, नासिक क्रॉस कर रहा हूँ, और बारिश वहाँ पे तो हो रही होगी आई थिंक। यस, आगे भी बादल काफ़ी लग रहे हैं। चलो ठीक है, देख लेंगे, मैं तो डकुरंजे से बातें कर रहा हूँ टाइम पास। सो नासिक के तुरंत बाद लग गई थी एक अच्छी खासी बारिश, तो मैंने थोड़ा कैमरा अपना कवर कर लिया था। अभी यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। वी हैव ऑलमोस्ट रीचिंग कसारा घाट ना, मतलब इगतपुरी। मैं काजू को लेके 8 घंटों में ठाणे टू अकोला पहुँच गया था, वो भी कार पे। तो ये फ़र्क है एक्सप्रेसवे का। अभी तो मैं बाइक पे हूँ, कैन बी मोर फास्ट ऑल्सो, लेकिन वैसे आज मैं थोड़ा चिल में चल रहा है, अपना ब्रेक भी बहुत ले लिए मैंने। अच्छी खासी चकाचक गाड़ी हो गई गंदी यार, 5 मिनट के बारिश के लिए पूरी बाइक गंदी हो गई। और ये देखिए, खूबसूरत सह्याद्री, हिमालयन इन सह्याद्री। हिमालयन को हिमालय में जाने के लिए थोड़ा टाइम है, जाएगी जाएगी। वाओ, क्या मस्त लग रहा है, मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ गाइस, आपको क्या बताऊँ। कब बारिश शुरू होगी और कब मैं हमारे सह्याद्री में चला जाऊँगा। एक बात तो है यार, पर सह्याद्री सह्याद्री है, नो कंपटीशन। वैसे जो कार्प्ले डिवाइस है, इसका एक और बेनिफिट ये है कि देखो, अभी मैं सामने चला रहा हूँ, मिरर में ना ब्लाइंड स्पॉट दिखते नहीं है, एग्जैक्टली पीछे कौन है दिखता नहीं है, लेकिन इसमें मैं एग्जैक्टली देख सकता हूँ पीछे कौन है, कौन सी गाड़ी आ रही है। होपफुली ये जल्द से जल्द हमारे वॉन्डरसन गियर्स पे आ जाएगा, तो वॉन्डरसन गियर्स फॉलो करो, वहाँ पे अपडेट डाल दूंगा मैं। ये क्या मस्त लग रहा है, बढ़िया। फ्रंट करना है तो ऐसा फ्रंट, आपको थोड़ा सा सन की वजह से नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे एकदम क्लियरली दिख रहा है। अरे टोयोटा जी हटी है, हमको हिमालयन दिख गई, नाइस टू सी। गाड़ी पे एक्सेसरीज देख के ऐसा लग रहा है कि वॉन्डरसन गियर से ही खरीदा होगा, शायद मेरा सब्सक्राइबर ही होगा, मे बी ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी, और मे बी मैं आगे निकल गया थोड़ा। पहली बार देखा है कि बारिश के पहले डांबरीकरण हो रहा है, नहीं तो ये लोग बारिश के बाद ही करते हैं ना, अभी क्या फ़ायदा करके, ऐसा रहता है इनका। वैसे आज मेरे साथ बहुत ही कॉमेडी हो रही है, एक से एक कॉमेडी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रक बाजू से जा रहा था, उसमें से भाई ड्राइवर ने दिया थूक दिया मेरे पे, और थूका तो थूका पूरा वाइजर पे थूक दिया। 10 मिनट तक वो पान का स्मेल मुझे अंदर आ रहा था, 10 मिनट तक। अब रुक के भी कैसे साफ करूं, क्या क्या होता है हाईवे पे देखा, ट्रैक्टर का टायर फूट जाता है, ट्रॉली उल्टी हो जाती है, टायर निकल के बाहर आ जाता है, कुत्ता बीच में आ जाता है, अचानक से बारिश भी आ जाती है। खाली 50 किलोमीटर बचे हैं बस, अब ये 50 किलोमीटर में बारिश नहीं चाहिए। अगर 50 किलोमीटर बारिश आई, अगर आई तो मैं गोपरों निकाल के बैग में रख दूंगा। अरे यार आ गई तू, नजम नजम सा मेरे, ला 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 ला। ये देखो भाई, अपना जो हाईवे है नासिक हाईवे, वो इतना बड़ा होने वाला है। अब ये स्ट्रेच थोड़ा बन गया है, तो कितना बड़ा देखो, ऐसा लग रहा है समृद्धि पे बाइक चला रहा हूँ।
फ्यूल है ठाणे मोर 25 किलोमीटर के आसपास। अभी बजे 4:45, 5 बजे भी नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, 5:30 शायद। आप लोग बोलोगे यार हमेशा का इसका रोना, जब भी मुंबई पहुंचता है रोते ही रहता है, अभी क्या करूं बताओ यार। मैं पिछले 1 घंटे से मैं यही सब कर रहा हूं। 5 तो ऑलरेडी बज गए, अभी मैं कल्याण पहुंचा हूं। दोस्तों खतरनाक वाट लग गया, देखो 5:40, अभी और तो 8-10 मिनट लग जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 6। सोचो 7 बजे निकला था, 5:45 पहुंचा, ऑलमोस्ट 11 घंटे लग गए मुझे आज। अनबिलीवेबल, यूजुअली मैं 8 से 9 घंटे में पहुंच जाता हूं, आज 11 घंटे लग गए। मेरी भी गलती है, मैंने भी बहुत टाइम पास किया आज। और ये कल्याण का ट्रैफिक, ओ माय गॉड, ये रोड ही खतरनाक है भाई। मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, वो साइड कैसे जाऊं मैं अभी। अभी अच्छा घर जाके मस्त अरिका के साथ खेलूंगा तो मूड भी अच्छा हो जाएगा मेरा। हो गई जी अपनी अधूरी जगन्नाथ धाम यात्रा आज पूरी। जय जगन्नाथ, क्या बात है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3604, 3600 किलोमीटर की राइड है टोटल एवरेज। ये इतने किलोमीटर मिला है 28, ऐसा अपना गाड़ी बोल रही है। और टोटल ओडो 5900 एग्जैक्ट। तूफान बाबा कैसा है रे तू, निकालेगा तुझे भी निकालूंगा। इतने सारे बच्चे हैं मेरे में क्या करूं। हाय हाय भाई, ए कोणाला रे डाडा डाडा, ओ गाबुल्ली बाबा गाबुल्ली। हो फाइनली पहुंच गया। हालत देखो बॉस, मेरी हालत एक्चुअली टाइट हुई है कल शाहपुर के बाद से, वहां से थाने तक आप रे 2 घंटे लग गया, ऐसा लग रहा है फुल चक्का जाम। आपने को आपको तो मैंने ज्यादा दिखाया भी नहीं, मैं उस हालत में नहीं था कि मैं ब्लॉग करूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे अपडेट्स चलती रहती है। अभी बस मॉनसून शुरू ही होगा तो मॉनसून ओडिसी भी शुरू होगी कुछ दिनों में, लेकिन बहुत सारे अभी ब्लॉग्स आने वाले हैं। थोड़ा गैप था ब्लॉग में, लेकिन अभी बैक ऑन ट्रैक। और अगर आपको मोटरसाइकिल एक्सेसरीज चाहिए तो वॉन्डर्स एंड गियर्स जरूर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हैंड गार्ड्स, लाइट, बहुत सारे ऑप्शन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कैटलॉग लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। वहीं पे आप डीएम कर सकते हो, ऐड टू कार्ट कर सकते हो, और इंक्वायरी या बाय कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, इंस्टाग्राम भी है वॉन्डर्स एंड गियर्स का, वो भी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, भटकते रहिए, चलो।